नमस्कार, पहला आज मैं अनिल सिंह पानो पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, और आज हम आए खटीमा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में है, डबल आई एस सी ए कॉलेज में, और हमारे साथ है फौजी ललित मोहन जोशी जी और सिंगर हमारे प्रकाश दा प्रकाश रावत जी और कॉलेज के चेयरमैन साहब नवीन चौहान। तो हम कॉलेज के बारे में बताएंगे। नवीन चौहान जी, ये कॉलेज मैंने 2012 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, और हमारी जो एफिलिएशन है सिटी एंड गर्ल्स यूके से, हमारा मेन लक्ष्य है जो हमारे पहाड़ के बच्चे दिल्ली और मुंबई में जाके होटलों में काम कर रहे हैं, उनको कुछ ऊंचाई तक पहुंचाया जाए, और जिसमें हमने 2012 से प्रयास स्टार्ट करे, और हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया में एज ए शेफ काम करे, वो भी कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर। और अभी तक 2012 से लेके 2022 तक हमने 7,000 बच्चे हमारे पहाड़ से दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज लाइन्स, सबसे बड़े होटल्स, सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स में एज ए शेफ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, और हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि कैसे हमारे बच्चों में रोजगार और बढ़ाया जाए इस माध्यम से, वो सिर्फ दिल्ली मुंबई तक न सीमित रहें, दुनिया के हर एक कोने में जाएं और उत्तराखंड और हमारा नाम रोशन करें। ललित जी हमारे साथ, तो मैं थैंक यू कहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतना अच्छा हमारे उत्तराखंड के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं, तो इस पे हमारे आने वाले जो बच्चे हैं जनरेशन है उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक ये एक स्टेप है, तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका कि आपने इतना अच्छा एक हुनर लेके आपने उत्तराखंड में और वो भी खटीमा के अंदर ऐसा काम दिया है, तो बहुत बहुत बधाई हो। बधाई के पात्र भी हैं, बधाई के पात्र भी हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए भी आपने एक ऐसा रास्ता खोल रखा है जिससे बच्चों का लाइफ काफ़ी आगे जाके सक्सेस रहेगा, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार विजिट करें कॉलेज में, और साथ में हमारे और सिंगर करके देखें प्रकाश रावत जी भी हैं थोड़ा पहाड़ी में, एक तो इनका बेटा ही है। धन्यवाद सबका। पहले मैं बधाई दूँ भाई नवीन चौहान कि आप उन सोच से सलाम कर चुके हैं, लेकिन मैं मतलब आपने कितनी अच्छी सोच रख रहा है कि जो पहाड़ा बच्चा कहते हैं कि ठीक से मेरे भारत में मतलब लोग काम करना, कि आप उन सोच है मैं सलाम ये बोल कर चुकी, मतलब आप ये सोचे कि चलो यार मेरे पहाड़ों का बच्चा मतलब बिहार जाए, मेरे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो चाहे किसी कंट्री में ले हो, तो एक अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो और उत्तराखंड का नाम कमाओ, तो ये सोचा मैं बार बार सलाम कर लो, और बधाई पात्र सो आप हूँ, और अपन पूरा परिवार जो मतलब जुड़ना का अपन ये जो तुम्हारे परिवार से परिवार बहुत बहुत बधाई जुड़ के आप लोगों ने मतलब जो प्रयास है एक सराहनीय प्रयास है कि मतलब जब मैं हमारे पहाड़ा बार में सोच रहा है कि तुम लिए हाँ यार मेरे पहाड़ों बच्चा मतलब दिल्ली बम्बई तक सीमित होगी, मतलब ये आगे के लिए बढ़ो और देखो कि मतलब बिहार देश बस क्यों काम कहते उन्होंने पैस ले और इज्जत ले और नाम ले, तो उत्तराखंड नाम जुड़ जाओ, उत्तराखंड बटे एक अच्छा संदेश हो कि हाँ उत्तराखंड का बच्चा मतलब पहाड़ बटे निगल बेरे गाँव करो हमारे पहाड़ को नाम मतलब एक बार मैं जब पहली बार बॉम्बे गई हूँ लोग देर पहाड़ में चढ़ता कैसे लोग उन्हें देख कायम थी उन्होंने पहाड़ में चढ़ता कैसे मैं कैसे बोलते हूँ चढ़ता कैसे लोग, तो वही थे कि मतलब चढ़ता कैसे लोग हम बिहार देश बता सकूँ कि हम पहाड़ में चढ़ता कैसे लोग, तो हमारे पहाड़ा बच्चा जो तुम्हारी सोच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और बहुत बहुत बधाई पात्र साहब हूँ कि मतलब आप उनकी सोचता ही धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलता हूँ आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। साथ में हमारे सर देव बहादुर सर बताएंगे यहाँ के बारे में। मैं शेफ देव बहादुर चंद, एटलीस्ट 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्रीज, और उसमें से 7-8 साल मैंने इंडिया के डिफरेंट होटल्स में आईटीसी ग्रुप में काम किया, उस देन कार्निवल क्रूज लाइन यूएसए वहां जाके मैं 30 साल तक वहां काम किया एज ए शेफ, मैं वहां से काम करते हुए यहाँ जब अपने खटीमा में आया तो चौहान जी से मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है हम अपने पहाड़ के बच्चों के लिए, तो मुझे काफी खुशी हुई ये देख के काफी बच्चे यहाँ से जिनको कि मैं कार्निवल क्रूज लाइन में यूएसए में मिल चुका था बहुत से बच्चों को,
तो यहाँ आके मैंने सोचा क्यों ना इसमें जाके उन बच्चों को अपना जो हमने अभी तक सीखा है उसको कंट्रीब्यूट करें, उन्हें पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करें। तो यहाँ आके IISCM में ज्वाइन किया और अभी 3-4 साल हो गए यहाँ काम करते हुए और कई बच्चे हमारे आगे निकल के अपना भविष्य बना रहे हैं। और इसी के लिए चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।